आम सहित अच्छा एम आई एल डीजीएम डीजीएम सहित कथा सीधा जानवा कौन ये नुआ नुआ कौन हूँ सर हम उड़ीसा से आए हैं बहुत दूर है यहाँ से वादियों को क्रॉस करके यहाँ तक पहुँचे जोजिला को देखने के लिए बहुत सुना था जोजिला के बारे में और आप काम भी कर रहे हैं अब तक कितना चल रहा है काम पूरा तरीके से स्टार्ट हो गया है एंड पूरा स्पीड प्रोग्रेस पूरा स्पीड पे चल रहा है लगभग 15% का काम स्टार्ट हो गया है जैसे ये प्रोजेक्ट है इंजीनियरिंग डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन मॉडल में दिया है हमको सो स्टार्टिंग का प्रोजेक्ट का स्टार्टिंग में हम काफ़ी इंजीनियरिंग डिजाइन करना पड़ेगा जैसे ये एरिया को जियोलॉजी को पहले हमको बोर होल करना पड़ेगा कौन सा टाइप ऑफ सॉइल अवेलेबल है वो देखना पड़ेगा वो होने के बाद उसके हिसाब से डिजाइन करना पड़ेगा तो जैसे ही प्रोजेक्ट मिल गया है हम लोग पूरा मोबिलाइज किया डिजाइन के लिए जो जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करना है वो कर लिया है एंड डिजाइन्स बना के इमीडिएटली जैसे विंटर खत्म हो गया है काम स्टार्ट कर लिया है सो ये 3-4 महीने हमको जो मिला है लगभग मई से लेके अभी तक ये 3-4 महीने में हम लोग 15% से ऊपर काम कर लिया है तो जैसे कि हम कह रहे हैं ये लाइफ लाइन बनेगी श्रीनगर से लेह लद्दाख के लिए लाइफ लाइन बनेगी ये एरिया का वन इज ऑन द टूरिस्ट टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू ये एक बार कनेक्ट हो जाएगा तो डेफिनेटली विद इन बहुत जल्दी वन ऑफ द बेस्ट विंटर टूरिज्म इन द इंडिया एज वेल एज इन द वर्ल्ड बनने का पोटेंशियल है इसमें वो टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरा है जो लेह लद्दाख वाला जनता है जो लोग रहते हैं वो लोग फोर्सबुल्ली विंटर में एजर उसको श्रीनगर या नीचे जाना पड़ता है या वो उधर रहेगा तो बहुत तकलीफ के साथ उधर उसको रहना पड़ता है क्योंकि पूरा प्रोविजंस एंड सप्लाइज कट ऑफ हो जाएगा ऑलमोस्ट दिसंबर से उसको डीजल से लेके नॉर्मल कमोडिटीज उस तक बहुत रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा स्केयरसिटी हो जाएगा तो वो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा 365 days एनीथिंग कैन बी सप्लाइड जैसे कि हमें पता है कि तकरीबन 6 महीना बर्फ रहता है यहाँ पे बर्फबारी होती रहती है रास्ता पूरा बंद रहता है बर्फ से उस वक्त यहाँ पे जाना मुश्किल होता है हम देख रहे थे कि जो गाड़ी रास्ते के ऊपर जा रही थी मिलिट्री की गाड़ी वो शायद उस वक्त बंद हो जाता होगा पक्का बंद हो जाएगा मतलब बंद होना ही पड़ता है पिछले साल बहुत मेहनत किया था सर्टेन थिंग्स हम लोग नेचर के अगेंस्ट में फाइट नहीं कर सकते हैं वो लोग मतलब BRO और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी से बहुत कोशिश करके 6-6 घंटा लगा के क्लियर करता था जैसे क्लियरेंस हुआ था स्नो ऊपर से गिर जाता था मतलब जियोलॉजी ऐसा है कि हम लोग उसको कुछ मतलब हम कर नहीं सकता है सो अनसर्टेनिटी से वो सब अवॉइड करने के लिए टनल बन रहा है जैसे कि अभी हम पीछे देख रहे हैं तो ये एक रूप लग रहा है कि जैसे कि हम पंडाल देखते हैं पूजा का पंडाल देखते हैं ना वैसा लग रहा है कैसे बनाया कितना मुश्किल है इसको हमको वो टॉप पोर्शन जहाँ पे हमको दिख रहा है वहाँ तक एक्सकवेटर को लेके जाना पड़ेगा ड्रिलिंग इक्विपमेंट को वहाँ तक लेके जाना पड़ेगा क्योंकि ऊपर में आपको दिखता होगा बोल्ट जैसे अंदर दिख रहा है उसको रॉक बोल्ट बोलते हैं जो लूज रॉक है वो गिरे ना जाए तो 6-6 मीटर 9-9 मीटर का ड्रिलिंग करके वहाँ पे अंदर डालेगा फिर उसमें सीमेंट ग्राउटिंग या केमिकल ग्राउटिंग करेगा वो फिक्स हो जाएगा तो वहाँ तक हमारा पूरा इक्विपमेंट कॉन्क्रीटिंग इक्विपमेंट एक्सक्वेटर्स एंड ड्रिलिंग इक्विपमेंट वहाँ तक लेके जाना पड़ेगा बाद में देन उसका नीचे 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 आते फिर नीचे आएगा तो ये सीजन में हमारा अचीवमेंट यही है कि ये पूरा स्टार्ट हो गया टनल के अंदर चला गया सो दैट प्रोग्रेस विल बी गोइंग स्मूथली फर्दर ऑन कितना चैलेंज आया आपको जितना बात आप कह रहे हैं इतना आसान है वो नहीं लग रहा है चैलेंजेस को गिन नहीं सकता है क्योंकि एवरीथिंग इज ए चैलेंज बट यस कंस्ट्रक्शन का लाइफ ऐसा है एंड कंपनी का तरफ से हर ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा है जिसके वजह से काम रुक सकता है पूरा मशीनरी यहाँ पे थोड़ा रिमोट एरिया है लॉजिस्टिक प्रॉब्लम में आदमी को अवेलेबिलिटी थोड़ा कम हो सकता है इसके वजह से सभी नया इक्विपमेंट डिप्लॉय किया है पूरा जरूर जाकर पाखा कि 6 मास बंद रह जाए से 6 मास जगह को कि भली भाव वर्ष तमाम लोगों को यातायात पाए ठीक सहज कर पारे ये हूँ केंद्र सरकार एक बड़ प्रोजेक्ट टनल बने कि किमती लाइफ लाइन तैयारी किमती यातायात ठीक कर केवल पर्यटक नुह अर्थनीति केमिति ठीक हो पार ताप चिंता करुंटे अंचल प्रशासन केंद्र सरकार ता सहित मेगा इंजीनियरिंग जी यार प्रोजेक्ट नहीं तार दायित्व रही आम कहीपर ये हूँ ए अंचल एक सबुठ बड़ लाइफ लाइन।